हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है सैटरडे का दिन एंड आज मैं जा रही हूँ अपने वैक्सीनेशन के लिए। यस, मेरा जो NHS से लेटर था वो आ गया है और उसमें लिखा था कि आप इस एज ग्रुप के लोग जितनी मेरी एज है उनकी वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो गई है। तो अब आज मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ एंड फिर देखते हैं कि हमें एक दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखने थे, तो वो भी देख के फिर जल्दी से घर आ जाएंगे। एंड मुझे पता नहीं है कि कैसे सिम्टम्स रहेंगे, थोड़ी सी तो डरी हुई हूँ मैं कि क्या होगा, बुखार आएगा या बेसिकली अपने लिए नहीं क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है लगभग 2.5 इयर्स की, तो उसको देखना पड़ता है और उसे कितना भी समझाएंगे तो वो मेरे पास ही आएगी बार बार। तो आई होप ज़्यादा कुछ ना हो, बस थोड़ा सा दर्द हो और फिर वो चला जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैक्सीनेशन पहले ही लगा था तो उनको बस यही सिम्टम आए थे। तो आई होप मुझे भी थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स ही हो। तो चलिए चलते हैं। परी बेटो, सो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड को ही मुझे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतनी मतलब ड्राइविंग आती नहीं है, तो उस वजह से मेरी बेटी को भी जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए क्योंकि फिर हम उसे कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कार में बैठेंगे जब तक मैं अपना वैक्सीनेशन करा लूँगी। और आई थिंक मेरा वैक्सीनेशन किसी हॉस्पिटल या इसमें नहीं है, चर्च में है और वहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर उन्होंने बनाया है तो वहाँ पे मेरा वैक्सीनेशन है। और मैं भूल ही गई थी कि मेरा वैक्सीनेशन, और आज मैंने हेयर ऑयल भी लगा लिया था और मुझे हेयर वॉश करना था, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी होती कि पहले मैं नहाती फिर जाती और फिर आके नहाती, इसलिए मैं अब एक घंटा ही आके फिर हम सभी क्लीन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। परी से हाय, चलो चलो चलो, जल्दी भी जाओगे जल्दी लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, बस हम कार में बैठ गए हैं और निकलने लगे हैं, तो मैं अपना मास्क चेक कर रही थी कि प्रॉपर है कि नहीं, एंड परी को भी हमने उसकी कार सीट में बिठा दिया है। तो सेंटर तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बल्कि जब फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट लेने का तो सेंटर हमें काफ़ी दूर मिल रहा था और काफ़ी थोड़ी सी देर फिर हमने रहने दिया। ट्राई करने के बाद हमें कुछ घंटों बाद ही पास में एक सेंटर मिल गया था। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट जब भी आपका नंबर आता है बुक करने की कोशिश करें और ले लें। एंड आज का मौसम भी काफ़ी ठीक था, ज़्यादा अब सर्दी रह नहीं गई है, ठंड UK में भी अब थोड़े दिन मौसम सही रहता है, समर जानते हैं, और फिर बीच बीच में अगर बारिश हो जाए तो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है। बस हम अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए हैं। तो ये जो चर्च है इसी के अंदर पीछे साइड से एंट्री थी एंड वहीं पर एक बड़े हॉल में वेटिंग रूम था। तो वैक्सीनेशन के बाद मैं वहीं पर बैठा, हमें बैठना पड़ा था 15 मिनट्स, और उन्होंने जो लीफलेट मुझे दिया था जिसमें सारे प्रिकॉशन और सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी थी वो मैं पढ़ रही थी। और फिर 15 मिनट्स वेट करने के बाद कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी तो फिर मैं आ गई थी। तो वहीं पर हम एक सुपरमार्केट में भी रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमें कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें लेनी थी। तो वहीं पर हमें पास में एक सुपरमार्केट था तो वहाँ हम गए थे। तो वहाँ पर बस सबसे पहले कहीं पे भी हम सुपरमार्केट में जाएं तो मेरे हस्बैंड जो ट्रॉली को है बड़े अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह लगा लेते हैं और उसको सैनिटाइज़ कर लेते हैं, और हम लोग भी निकलते समय और जाते समय हैंड को सैनिटाइज़ करते हैं। तो बस फिर हम घर आ गए थे। हेलो एवरीबॉडी, सो आज है मंडे। यस, मंडे है, बैंक हॉलीडे है, इसलिए मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं। एंड वैक्सीनेशन के बाद अगले दिन मैंने काफ़ी आराम किया और मेरे बस हाथ में ही थोड़ा दर्द था और ज़्यादा मुझे कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ अच्छे से टाइम निकल गया। और आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, दर्द भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मैं कुछ स्पेशल भी बना रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन इडली सांभर एंड डोसा।
यहाँ पर मैंने सांभर को छौंकने के लिए सारी तैयारी कर ली है। हरी मिर्च है और करी पत्ता है, टमाटर है और प्याज है, और यहाँ पर जो कोकोनट की चटनी है, कोकोनट और मूंगफली की, वो तड़का लगाकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और मैंने मसाला भी निकाल के रखा है सांभर को तड़का लगाने के लिए। एंड इस पैन में मैं तड़का लगा दूंगी एंड सांभर की सब्जी और सांभर बॉईल हो गया है। साथ ही में कुछ इडलीज बन चुकी हैं और यहाँ पर परी चिल्लाने में लगी हुई है क्योंकि वो मुझे वीडियो नहीं बनाने देती। वो कहती है कि मुझे भी वीडियो मिलो और तभी मैं चुप होंगी। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि कुछ इडलीज बन गई हैं और इसमें आपको देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देखिए इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे पास जो धुली हुई जो उड़द की दाल थी ना वो बहुत कम थी, तो मैंने ना साबुत उड़द की दाल डाल दी, इसलिए उसमें छिलके मैंने निकाले लेकिन काफी अच्छे से नहीं निकल पाए, इसलिए उसमें थोड़े थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल ही परफेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं सांभर में तड़का लगा लेती हूँ एंड फिर हम इडली सांभर और डोसा खाएंगे चटनी के साथ, और शायद डोसा में बाद में बनाऊँ, पहले हम इडली खाएंगे। और आज हमें बहुत सारा DIY का काम करना है, जितना भी पेंडिंग हमें कर्टन्स लगाने थे और मिरर्स लगाने हैं वो सब आज हम लगाएंगे। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, सांभर का तड़का बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो चुका है एंड अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी सांभर में जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो बस अब सांभर बनने ही वाला है, इसमें हम अच्छे से बॉईल लगा लेंगे और फिर हमारा हो जाएगा सांभर रेडी। गाइस देखें, मेरी इडली भी बनकर बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब मैं इनको जल्दी से निकाल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो लंच है या फिर आप ब्रेकफास्ट कम लंच कह सकते हैं वो बिल्कुल हो गया है रेडी। सो यहाँ है इडलीज एंड ये है हमारा सांभर एंड ये है चटनी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें और जहाँ भी जाएं मास्क लगाएं और कम से कम बाहर निकलें और स्टे सेफ। बाय बाय।